म्यूनसिपल काउंसिल उधमपुर में पैंथर्स पार्टी की तरफ से काउंसलर हूँ। आज की जो प्रेस वार्ता का जो मेन मोटिव यह है कि तकरीबन 4 महीने हो गए म्यूनसिपल काउंसिल उधमपुर के जो हमारे प्रेजिडेंट हैं डॉक्टर जोगेश्वर जी, बार बार काउंसलों के आग्रह करने पर भी वो ऑफिस में नहीं आ रहे हैं, ना कोई मीटिंग कर रहे हैं। और जिस तरह से उधमपुर शहर के लोग काउंसलर्स को परेशान कर रहे हैं, चाहे वो पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, और मोर ओवर इनसे सबसे ऊपर जो टेंडर्स पिछले वर्ष नवंबर दिसंबर में हुए थे, आज दिन तक उनका काम नहीं स्टार्ट किया गया है। जब हमारी बात कॉन्ट्रैक्टर से हुई तो कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से जवाब मिलता है कि आपके ऑफिस का कोई सिस्टम नहीं है, क्यों नहीं हमें दिशा निर्देश दिए जाते काम स्टार्ट करने के लिए आपके प्रधान जी की तरफ से। इस बात को लेकर जब हमने बात अपने सीओ साहब से की तो सीओ साहब कहते हैं कि अब जो जितना भी एग्जीक्यूशन का काम होगा शहर के अंदर गलियों का, उसे पीडब्ल्यूडी विभाग देखेगा। जब पीडब्ल्यूडी के एक्शन के पास हम गए, हम 4-5 काउंसलर गए थे 4-5 दिन पहले, तो एक्शन साहब कहते हैं कि आप अपना, आपके पास पैसे पड़े हैं, आप अपना प्लान बना के दीजिए। लेकिन आज आप देखिए कि पूरे जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी छूट दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जो काम है वो स्टार्ट करवाए हैं। जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट हो गए, लेकिन म्यूनसिपल काउंसिल के जितने भी अलॉटेड वर्क्स थे वो आज तक नहीं हुए। और जो नए वर्क्स जो हमारे पास करोड़ों रुपया जो पड़ा है अंदर, ताकि लोगों को शहर के अंदर एक रिलीफ मिलनी थी, उन कामों की वजह से वो काम शुरू नहीं हो पा रहे हैं। और प्रेजिडेंट साहब मीटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? हम बार बार, हमारा ये सवाल है कि एक शख्स जिसने शहर के अंदर सबसे, इस टाउन की म्यूनसिपल काउंसिल की जो टाउन की जो चेयर है, सबसे बड़ी जो प्रेजिडेंट की चेयर है, वो ऑन कर रखी है घर बैठने के लिए। इतना बड़ा महामारी बीत गई, लोगों को आज जरूरत थी उस चेयर की तरफ से रिलीफ पहुंचाने की, लेकिन सारे काउंसलरों ने ईमानदारी से काम किया, लेकिन प्रेजिडेंट साहब की तरफ से एक बार भी इस शहर की जनता को वो उस लेवल का रिलीफ नहीं मिला जो लोग चाहते थे। ये भागते रहे अपनी जिम्मेवारी से। और आज काउंसलर तो काउंसलर, उधमपुर की जनता भी जानना चाहती है कि अगर आप शहर के अंदर डेवलपमेंट नहीं करवाना चाहते थे तो आपने इस कुर्सी को छल कपट से क्यों आपने एक्वायर कर रखा है? आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं देते हो? और उधमपुर की जनता से माफी क्यों नहीं मांगते हो कि मैं चेयर के लायक नहीं था, मैं छल कपट से बैठ गया, लेकिन वो दम जो होता है शहर के अंदर डेवलपमेंट का, जो आज तक 1.5 साल के अंदर कुछ भी नहीं दिखा पाए हैं। और बार बार इनकी तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि जो काउंसलर्स हैं जो मुझे काम नहीं करने देना चाहते। मैं कहता हूं इन्हें छोड़कर सारे काउंसलर काम करना चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी इनकी कोई कोऑपरेशन नहीं है काउंसलरों की तरफ। आज इनकी तरफ से आप इनका फोन रिकॉर्ड डिटेल निकालिए, एक भी कॉल इन्होंने किसी काउंसलर को नहीं की होगी कि भाई आपके बार के अंदर क्या स्थिति है, शहर के अंदर पानी नहीं आ रहा है, लाइट नहीं है, लोग परेशान हैं। हम पूछे तो किसे पूछें?